हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। एज यू नो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज गोइंग ऑन इन नरेशन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज गोइंग ऑन, दिस इज द सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऑलरेडी यू हैव स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज द सेंटेंस व्हिच इज शोड द फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ, हैप्पीनेस, अप्रिसिएशन, फाइल एंड सरप्राइज एक्सेट्रा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो दुख, खुशी, प्रशंसा, घृणा, आश्चर्य इत्यादि के भावों को शो करता है। एंड देयर आर टू काइंड्स ऑफ इट्स। और इसके टू काइंड्स हैं। पहला वह सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड शुरू होता है, दूसरा वह सेंटेंस जो व्हाट या हाउ प्लस एडजेक्टिव शुरू होता है। अब इसमें इसका फर्स्ट रूल था, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंजंक्शन वुड बी हेल्प दैट। इसमें एक रूल और हुआ था, कौन सा हुआ था? If the report speech is showing grief, यदि report speech द्वारा grief show किया गया है, दुख show किया गया है, तो in that condition we have to write exclaimed with sorrow, exclaimed with sad, exclaimed with grief on the place of said or said to। ये first हुआ था, first type of sentence हुआ था। Today we shall discuss about second type of sentence। Rule number third, first sentence हो चुका है, ये rule number third है। थर्ड क्या है? इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज शोइंग हैप्पीनेस in that condition, we have to write exclaimed with joy or delight on the place of said or said to, exclaimed with joy or delight on the place of said or said to, on the place of said or said to, this is the थर्ड रूल। एग्जाम्पल समझिए, ही सेड टू मी कामा मेट कामा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा जान लीजिए, इसी का शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी कर सकते हैं। इस दुख वाला किए थे, इस सेंटेंस में हैप्पीनेस को किया गया है, हैप्पीनेस यानी हर्ष या खुशी शो किया गया है, तो उस कंडीशन में आपका करेंगे। देखिए जैसे दुख शो करने के लिए वर्ड्स बनाए गए थे आ, ओ, एलास, उसी तरीके से इस सेंटेंस में हर्ष या खुशी शो किया गया होगा, तो निश्चित रूप से उसके लिए भी कुछ वर्ड्स बनाए गए होंगे, जैसे कि आहा आहा, हा हा, हुर्रे, ये सब क्या है? ये हर्ष सूचक वर्ड है। इसका मतलब हर्ष नहीं होता, जब आदमी खुश होता है तो ये वर्ड क्या है, ये ऑटोमेटिक जो है मुंह से निकलते हैं। सैड और सेप्टू के स्थान पर क्या करेंगे हम, सैड या सेप्टू के स्थान पर लिखेंगे exclaimed with
जॉय और डिलाइट। स्टूडेंट जॉय या डिलाइट, ये आपका क्या हो गया, ये आपका रूल बन गया। देखिए इसको क्या हुआ, इसी का संक्षिप्त रूप है जो लिखा है अभी, इसी का संक्षिप्त रूप है कि इस सेंटेंस में हर्ष या खुशी शो किया गया होगा, तो हर्ष या खुशी के लिए वर्ड्स बनाए गए हैं, जैसे कि आहा, एक ए और लगा लिया, आहा हा हा हुर्रे, ये क्या है, यह हर्ष या खुशी सूचक वर्ड हैं। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, सेट या सेट टू के स्थान पर एक्सक्लेम विद जॉय लिखेंगे या एक्सक्लेम विद डिलाइट लिखेंगे। एक एग्जांपल समझिए, जैसे राम सेड टू मी हुर्रे, यहां स्लेमेटिक सिंबल रहेगा, आई हैव गॉट 95% मार्क्स इन दिस यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। देखिए एग्जाम्पल है, 95% मार्क्स इन इन दिस यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। अब देखिए इसको, यह अगर डायरेक्ट में है स्कैंडर्ड क्या होगा, राम सेट टू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए पहले भी बता चुके हैं, कभी भी डायरेक्ट स्टैंडर्ड एडमिशन करना हो तो सबसे पहले आप इसको देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच को, यही बताएगा कि हमें कौन से रूल को फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हुर्रे वर्ड है, आहा हा हा हुर्रे, ये हर्ष या खुशी सूचक वर्ड है। इसी से समझ में आ जाएगा, भले ही आई है बॉट 95% मार्क्स इन दिस यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन का अर्थ ना आता हो, इसका प्रॉपर मीनिंग आपको ना आता हो, फिर भी जो है आप ये जो वर्ड है आहा हा हा हुर्रे वर्ड से ही समझ जाएंगे कि सेंटेंस में कोई खुशी या हर्ष की बात लिखी गई है। और देखिए सिंबल लगा है हुर्रे, आगे डंडे की नीचे एक्सक्लेमेटरी सिंबल है, तो इसे क्लियर होगा कि सेंटेंस वहां एक्सक्लेमेटरी है, और हुर्रे वर्ड क्लियर होगा कि सेंटेंस में हर्ष या खुशी शो किया गया है। तो उस कंडीशन क्या कहेंगे, सेट या सेट टू के स्थान पर लिखेंगे एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम विद डिलाइट। जॉय और डिलाइट में आप लिखें, दो में से एक रहेगा, तो जाएगा राम एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम्ड विथ जॉय मी। अब यहां लिख देंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिख देंगे या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट लिख देंगे, जो भी वर्ड होगा ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा मी। और एक्सक्लेमेटरी का जो कंजंक्शन है वो दैट है, जो असर्टिव सेंटेंस का कंजंक्शन है वही एक्सक्लेमेटरी का भी है, यहां दैट आ जाएगा। अब आई देखिए, आई इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कुड बी चेंज्ड according to subject of reporting speech, यानी I would be changed according to Ram, Ram means he, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम मतलब ही हुआ, तो what would be or subjective form of he, तो यहाँ और have and got इसको कर रहे हैं कि I have written in present perfect tense and according to narration present perfect tense change into past perfect tense, क्या हो जाएगा यहाँ पर, he had got, he had got 95% marks in this change into that, in another change in that UP board examination। बस इतना ही ध्यान देना है, इस सेंटेंस में हर्ष या खुशी शो किया गया है, यानी हैप्पीनेस शो किया गया है, तो उसके लिए वर्ड्स बनाए गए हैं आहा हाहा हुर्रे। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सेट या सेट टू के स्थान पर लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। अब देखिए यहाँ पर
एग्जाम्पल देखिए, हुर्रे है, हुर्रे से स्टार्ट था, तुरंत बच्चों के माइंड में आ जाएगा कि सेंटेंस में हर्ष या खुशी शो किया गया है। उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, सेंटेंस सेक्टर के साथ लिख दिया आप एक्सक्लेम विथ जॉय लिखी है, चाहे एक्सक्लेम विथ डिलाइट लिखी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो कंजक्शन है, क्योंकि इसका जो कंजक्शन है, जो असर्टिव का कंजक्शन है, वही इसकी एक्सक्लेमेटरी का भी है, क्योंकि फर्स्ट प्ले ही था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंजक्शन वुड बी हेल्ड दैट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजक्शन दैट लगेगा। इसके बाद पर्सन बदलिए, टेंस बदलिए और अदर जेनिंग का वर्ड बदलिए, इतना है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यदि सेंटेंस में हर्ष या खुशी शो किया गया है तो,